सर अंदर मूवी कुछ बताएंगे? एक्चुअली टाइटल इज भाई कमाल एंड ऑलरेडी सिटी इज रिलीज नाउ. म्यूजिक बाय परिवेश सिंह जी एंड लिरिक्स प्रेम सागर जी एंड डायरेक्टर अनिल गोयल जी. आज रिलीज हुई सीडी और आपने सुना होगा जो मेरे मुझसे भी जो गाने गवाए हैं वो भी बड़ा नशीला गाना है, एकदम इंस्टेंट हिट जिसको बोलते हैं कि गाना सुनते ही एकदम श्योर शॉट जिसको बोलते हैं कि भाई को मिली है हूर, भाई को मिली है हूर, हुआ मशहूर होके नशे में चूर. रात भर गाएंगे, रात भर नाचेंगे, दारू बांटेंगे, माल को चाटेंगे. सर तो कितने गाने गाए सर? कितने गाने हैं आपके? मेरे एक ही गाने हैं लेकिन बहुत अच्छा गाना है. बाकी जितने भी सिंगर्स गाए हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर समझदार है, जिनको जो गाने सूट हुआ है, जिनको जो गाने सूट हुए हैं उनको गवाया उन्होंने. सर और प्रोडक्शन में तो आप निकल चुके हैं, भोजपुरी फिल्म से आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक्टिंग में कभी दिखने का कोई चांसेस है? अभी कपिल शर्मा के साथ मैंने किया ना एक्टिंग स्वीट गब्बर का रोल किया. तो और कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर बॉलीवुड में? अभी पिक्चर एक तो भाई का माल, फिर अभी पिक्चर यश चोपड़ा जी की फिल्म आ रही है किल दिल, शंकर एहसान राय का म्यूजिक है उसमें, और कई फिल्में हैं जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना राधा तेरी चुनरी बहुत लोगों ने पसंद किया. उसके बाद एक फिल्म थी अभी इंटरटेनमेंट अक्षय कुमार जी की, उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा गाना था, टिप्स की फिल्म थी, तो वो भी गाना बड़ा अच्छा था कि हिट गाने में से. सर एक ऐसा दौर था अकेले हम अकेले तुम में जहाँ पे आप और आपके बेटे आदित्य दोनों साथ में गाया करते थे, अभी तो आदित्य भी काफी अच्छी सिंगिंग करते हैं. राम जी की चाल देखो, संजय लीला जी की फिल्म में आप दोनों की जुगलबंदी कभी देखने मिलेगी? बस अभी गाएंगे ना, साथ में गाया था ओ आई लव यू डैडी, फिर मेरे पापा दी ग्रेट, फिर अभी आने वाले टाइम में शायद आप लोगों की दुआ रही तो साथ में अच्छा काम करेंगे. वैसे सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं उसमें, ये भगवान की कृपा है. थैंक यू सर. रोल सर पहली मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टेड एंड एक्टेड बाय, हाउ डिफिकल्ट इज इट? कितना डिफिकल्ट होता है? एक्चुअली आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग दिस मूवी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डायरेक्टिंग एज वेल एज एक्टिंग, राइट? तो इट्स डिफिकल्ट, डेफिनेटली एक मूवी बनाना और सोचना ये डिफिकल्ट पार्ट है. और इस मूवी से और भाई का माल है और माल हमारे साथ में है, और माल को ढूंढना ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि माल कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, तो माल को वापसी लाना ही एक मूवी का थीम है. माल एक्चुअली क्या, हमारे फिल्म में बहुत सारे भाई लोग हैं, उनको माल की जरूरत रहती है, तो हमने इसलिए भाई का माल बना दिया मूवी को ना. तो काफ़ी सारे भाई की डिमांड थी कि माल होना चाहिए मूवी में, और माल के बिना मूवी बनती भी नहीं है और माल के बिना कोई देखने भी नहीं आता. तो इसलिए हमारा माल जो है हमारे सामने है और इसको ढूंढने के लिए हम दर बदर भटकते रहते हैं. तो आप तो बनी हो माल इस मूवी में, तो मतलब कितना ग्लैमरस है ये रोल? बेसिकली दिस इज अ डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ करेक्टर इन द मूवी एंड ग्लैमरस टू. अब माल हूँ तो ग्लैमरस तो है ही, बट द थिंग इज दैट आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ चंपा कली बेसिकली एंड द वाइफ ऑफ पप्पू. So it's a very exciting role for me in this movie. तो आपको कितना सताया उन्होंने? भैया मैं तो कभी इनके पांव दबा रहा हूँ, कभी हाथ दबा रहा हूँ, बहुत ही मतलब रोटियां तक पकवाई हैं मैंने इनसे. मैं सीख गया हूँ, कुछ ना कुछ सीख गया हूँ. मैं एक्चुअली खाना बनाने वैसे लाइफ में नहीं आ रहा था, लेकिन जनरल में अब मैं सीख गया हूँ कि कैसे खाना बनाना है, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ सिखा दिया मुझे. रिशिता भट्ट की फोटो है, हाँ. वो कुछ नजर नहीं आया? नहीं, वो अभी गेस्ट अपीयरेंस में है हमारे इस फिल्म में, रिशिता भट्ट. तो पोस्टर्स पे क्यों रखा, मतलब गेस्ट अपीयरेंस में है तो फिर? वो भी एक्चुअली के माल है ना, बहुत सारा माल है इस फिल्म में देखने. एक माल तो जो मेन है चंपा कली वो आपके सामने है, दूसरा माल हमारे मायरा सिंह है, तीसरा रिशिता भट्ट है. तो माल ही माल है, मतलब ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने है. फुल माला माल है. बाबा रामदेव की पिक्चर भी देखी मैंने पोस्टर में, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है?
कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर है, यूएसपी है फिल्म की, बाबा रामदेव के वो जूनियर रामदेव हैं और हम वो हमारी मूवी के जामदेव हैं एक्चुअली। वो मेरे फ्रेंड बने हैं मूवी के अंदर और वो एक्चुअली जो हमारा माल है उसको सिखाते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द वेट, कैसे हम मतलब अपने आप को बॉडी को फिट रख सकते हैं और माल प्रॉपर माल बना रहे ताकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहे, वो सिखाते हैं। तो आप तो बने हो भाई मूवी में, तो किस तरह के भाई हैं आप? वो मुन्ना भाई स्टाइल के भाई हैं या फिर बहुत डेंजरस भाई हैं? वो नहीं नहीं, मैं बहुत फनी कैरेक्टर है मेरा पपलू और मैं बहुत घोंदू सा हूँ और मेरे माल को सारे लूटने की फिराक में रहते हैं और क्योंकि मेरा माल इतना पटाखा है, इतना बॉम्ब है, तो वो हर बंदे की नज़र इसके ऊपर रहती है, इसलिए मैं बेचारा काम का मारा और मेरे माल को सब नज़र रखते हैं पूरे गांव वाले। कब रिलीज करने का प्लान? हमारे दिसंबर प्लान है सर रिलीज करने का। थैंक्स अ लॉट। इनके पास तो माल है बट आपके पास क्या है सर इसको? भाई के पास जैसे माल है वैसे सुनील के पास पाल है और जहाँ माल है वहाँ पाल है, सीधा सा है फंडा और सांप हमारे बाबा जी का टुल्लू है। बाबा जी से ज्यादा बाबा रामदेव भी है तो पाल का टक्कर हुआ है रामदेव बाबा? योगा से होगा, योगा से होगा। हमारी फिल्म में भाई का माल जो है, भाई का माल वापस आएगा, ब्लैक जो ब्लैक करेंसी है ये जो ब्लैक में जो काला काला जो काला जो धन है वो ब्लैक ब्लैक माल वापस आएगा। सर वापस कर सकते हो? भाई का माल जो है ये जो भाई लोगों ने जो रखा है विदेश में जो काला माल जो है वापस आएगा। सर ऑन अ सीरियस नोट आपका रूल क्या है? मेरा रूल ये है कि मैं चाहता हूँ कि एज ए कॉमेडियन बीइंग कॉमेडियन दुनिया में हर आदमी हंसता रहे, हंसाता रहे, मुस्कुराता रहे, आंसुओं की और तकलीफ की कहीं जगह ना हो, सारे जहाँ से अच्छा हंसता रहे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जल्दी ही तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर आदमी हंसता रहे, इसलिए मैं स्टेज पर भी, टीवी पर भी, फिल्मों में भी हंसाने की कोशिश करता हूँ। अभी जल्दी हमारी फिल्म आ रही है मनी बैग गारंटी, 14 नवंबर को आ रही है, आपको हंसते हंसते मजा आएगा पूरे परिवार के साथ में। बिजली का बिल नहीं भरा? हाँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि एज ए कॉमेडियन बिंग कॉमेडियन लोगों को हंसाता रहूँ, लोग भी हंसते रहे और किसी को कोई टेंशन ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए फिल्मों में स्टेज पर भी अभी जो इसलिए फिल्मों में स्टेज पर भी और फिल्म अभी जो फिल्म आ रही है मनी बैग गारंटी जो 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है, 14 नवंबर को उस फिल्म में भी लोगों को खूब हंसाने की कोशिश की है। आप आइएगा 14 नवंबर को फिल्म देखने के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। और यही मेरा मोटो है कि हंसते रहो, हंसाते रहो, दुनिया में जगमगाते रहो। नॉर्मली कहा जाता है कि हंसाने वाले लोग को लड़कियां काफी पसंद करती है, तो हम सुनील पाल को कब देखेंगे एक रोमांटिक अवतार में स्क्रीन? इस फिल्म में आपको एक हल्का सा रोमांटिक सुनील पाल दिखेगा, इसलिए मैंने एक गाना भी बनाया है, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हूँ तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। और SRK का ये म्यूजिक कंपनी से ये पूरी दुनिया में म्यूजिक जा रहा है, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। फिल्म में काफी सारे माल है, आपको कौन सा माल स्पेसिफिकली पसंद है? भाई का माल फिल्म में बहुत सारे माल है और मैं समझता हूँ कि मुझे जो सबसे ज्यादा माल पसंद है वो है हरी 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 का गुण गाओ, हरी जेब में जब आएगा तो उससे अच्छा माल दुनिया में नहीं मिल सकता है, नहीं कर सकता है कोई ऐसा माल धमाल। ओके, एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री के भाई हैं सलमान खान, उनको उनका ट्रू माल अभी तक नहीं मिला है, तो क्या एडवाइस कुछ देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि अगर उनको भाई को माल नहीं मिला तो अब भाई मुझे लगता है कि मालगाड़ी पकड़ ले और उसी में ढूंढ ले अपनी दुल्हनिया, अदरवाइज हम सब पूछते रहेंगे वेर इज माई ब्रदर की दुल्हनिया, कहाँ है हमारे सल्लू शर्मा की दुल्हनिया जो शर्मा शर्मा कर बेचारे इतने शाही है कि शादी करने में शर्माते हैं, तो हम पूछते रहेंगे तो ये पूछेंगे भाई सलमान भाई दुल्हनिया कब ले जाएंगे और उनकी शादी अगर जल्दी हुई तो शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी मनी बैग गारंटी हो जाए और 14 नवंबर को हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, वो भी रिलीज़ हम भी रिलीज।